हेलो फ्रेंड्स, पंजाबी नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही सुंदर और आसान डिज़ाइन, जिसे आप लेडीज़, जेंट्स या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। 12 सिलाइयों का डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन के लिए हमें 10 के मल्टीपल प्लस 3 फंदे चाहिए। तो इस सिलाई में मैंने 33 फंदे डिज़ाइन के लिए और 2 फंदे किनारे के लिए, टोटल 35 फंदे डाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। एक नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें और सभी फंदों को सीधा बुनें। लास्ट तक हमने सभी फंदों को सीधा बुनना है और ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। ये हमने एक नंबर सिलाई कंप्लीट कर ली। अब दो नंबर सिलाई। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन की सभी उल्टे हाथ की सिलाइयां हमने उल्टी बुननी है, यानी कि हमने सारी उल्टे हाथ की सिलाइयां सेम बुननी है। तो जैसे मैं ये दो नंबर सिलाई बनाऊंगी, बाकी की सभी उल्टे हाथ की सिलाइयां वैसे ही बुनी जाएंगी। तो मैं सिर्फ आपको ये दो नंबर सिलाई बनाना बताऊंगी, उसके आगे की उल्टी हाथ की सिलाइयां आपने ऐसे ही बना लेनी है। तो देखिए, दो नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें और सभी फंदों को उल्टा बुनें। लास्ट तक हमने सभी फंदे उल्टे बुन लेने हैं। तो ये हमारी दो नंबर सिलाई कंप्लीट हो गई। अब तीन नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, तीन फंदे उल्टे बुनें, धागा पीछे, सात फंदे सीधे बुनें। ये हमारा 10 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। धागा आगे, तीन फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, सात फंदे सीधे बुने। फिर धागा आगे, तीन फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, सात फंदे सीधे बुने। फिर धागा आगे, प्लस वाले तीन फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, किनारी वाला फंदा सीधा बुने। तो ये हमारी तीन नंबर सिलाई कंप्लीट हो गई। जैसे हमने ये तीन नंबर सिलाई बनाई थी, सेम वैसे ही हमने पांच और सात नंबर सिलाई बनानी है। देखिए, पांच नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, तीन फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, सात फंदे सीधे बुने। सेम तीन नंबर सिलाई की तरह हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा 10 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। तो आगे हम इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए लास्ट के प्लस वाले फंदों को उल्टा बुनेंगे और ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी पांच नंबर सिलाई कंप्लीट हो गई। अब फ्रेंड्स, ये सात नंबर सिलाई हम सेम तीन और पांच नंबर सिलाई की तरह बुन लेंगे। जैसे हमने तीन और पांच नंबर सिलाई बुनी है, सेम वैसे ही हम ये सात नंबर सिलाई बुन लेंगे। ये हमारी सात नंबर सिलाई कंप्लीट हो गई। अब नौ नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, चार फंदे सीधे बुने,
चार फंदे सीधे बुनने के बाद दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएं, दो का एक बनाने के बाद धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुनें, फिर धागा घुमाएं, दो फंदों को उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए दो का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद एक फंदा सीधा बुनें। तो ये हमारा 10 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। चार फंदे सीधे बुने, चार फंदे सीधे बुनने के बाद दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएं, धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, फिर धागा घुमाएं, दो फंदों को उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए दो का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद एक फंदा सीधा बुने। तो ये हमारा दूसरी बार पैटर्न कंप्लीट हो गया। तीसरी बार फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें। चार फंदे सीधे बुने, दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएं, धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, फिर धागा घुमाएं, दो फंदों को उतार कर दो का एक बनाएं, एक फंदा सीधा बुने। ये तीसरी बार हमारा पैटर्न रिपीट हो गया। अब ये प्लस वाले तीन फंदे सीधे बुने और किनारी वाला फंदा भी सीधा बुने। फ्रेंड्स, अब ये 11 नंबर सिलाई भी हमने 9 नंबर सिलाई की तरह सेम बुननी है। देखिए, पहला फंदा उतारें, चार फंदे सीधे बुने, चार फंदे सीधे बुनने के बाद दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएं, धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, फिर धागा घुमाएं, दो फंदों को उतारें, उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं, पीछे से बुनते हुए दो का एक बनाएं, एक फंदा सीधा बुने। तो ये हमारा 10 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को दो बार रिपीट करना है। ये हमने पैटर्न कंप्लीट कर लिया। अब ये प्लस वाले फंदे हम सीधे बुनेंगे और किनारी वाला फंदा भी सीधा बुने। तो ये हमारी 11 नंबर सिलाई कंप्लीट हो गई। तो फ्रेंड्स, ऐसे हम ये 12 सिलाइयाँ रिपीट करेंगे और हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।